तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है दलबीर सिंह। कौन सा ऐसा कोर्स करें ताकि हमें गुल्फ में या यूरोप में अच्छी एक जॉब मिल सके। आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, तो आप इस कोर्स को कर 50 से 60 हजार रुपया सैलरी आराम से ले सकते हैं गुल्फ में। यदि आपको जॉब मिल जाती है इंडिया में, 20 से 30 हजार रुपया वहां भी आपको मिल सकता है। कौन सा कोर्स है, कैसे करना है, पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं। एक हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, भाई कोर्स तो कर लेंगे बट जॉब कहाँ से मिलेगी। जॉब के ढूंढने के लिए आपको जेन्युइन ट्रैवल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन से ट्रैवल के पास आपको जाना है। ये इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं पूरी डिटेल। चलते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे कोर्स ऑपरेटिंग के, जिसको कर आप गुल्फ में, यूरोप में या इंडिया में, आप किसी भी अपने देश में तो अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, वो आप 8वीं पढ़े होने चाहिए या 10वीं पढ़े होने चाहिए, प्लस 2 या मोर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ तो भी आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर पहला जो कोर्स है वो है ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर का, 3 मंथ का ये कोर्स रहेगा। पहली पेमेंट आपसे 15,000 रुपये की ली जाएगी, दूसरी जो पेमेंट है वो 5,000 की आपसे ली जाएगी, टोटल आपसे 20,000 रुपये लिए जाएंगे। खाने का, रहने का, मेडिकल की फैसिलिटी आप इन्हें कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओवरहेड क्रेन की जो डिमांड है ब्रिज वाली कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वर्कशॉप कंपनी, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रहती है लोडिंग एंड अनलोडिंग करने के लिए। ये भी मैं आपको कंफर्म करवा दूं कि ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर जॉब हासिल करने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप गुल्फ में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ या इंडिया में आप जॉब ढूंढना चाहते हो, इसके लिए सिर्फ आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही काफ़ी रहेगा। जॉब देने से पहले क्लाइंट आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड कर सकता, इसीलिए जब भी आप कोर्स करो तो उसी इंस्टीट्यूट से करो जिसके कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहें, जिसका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन दिखाई दे जाए। जब भी क्लाइंट आपका सर्टिफिकेट का नंबर आपकी वेबसाइट में डाले तो आपका जो डाटा है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। जहां पर दूसरा जो कोर्स है वो है हैड्रा क्रेन ऑपरेटर, जैसे हम लोग हैड्रा भी बोल देते हैं। 3 मंथ का जो कोर्स है, 16,000 एक पेमेंट आपसे ली जाएगी, 6,000 रुपये एक पेमेंट आपसे ली जाएगी, टोटल आपसे 22,000 रुपये लिए जाएंगे। रहने का, खाने का, मेडिकल की फैसिलिटी आप कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हैड्रा क्रेन ऑपरेटर की जो डिमांड है इंडिया में ही सबसे ज़्यादा रहती है, यूरोप में लगा लूँ या गुल्फ में लगा लूँ इसकी डिमांड नहीं आती। हैड्रा क्रेन ऑपरेटर की जो सैलरी आपको इंडिया में 15 से 30 हजार मिल सकती है, कम भी आपकी सैलरी हो सकती है, 12 से 15 हजार भी हो सकती है, 30 हजार भी हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी कंपनी के हिसाब से कि आपकी कंपनी कौन सी है। हैड्रा क्रेन ऑपरेटर को चलाने के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक सेफ्टी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिसे हम लाइसेंस भी बोल सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हैवी इक्विपमेंट का लाइसेंस बनाती है, थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, थोड़े से दिन की ट्रेनिंग रहती है और आपका थर्ड पार्टी लाइसेंस आपको मिल जाता है, पर उसके लिए आपको पहले 3 महीने का कोर्स लाजमी करना पड़ेगा। जो भी कंपनी आपका थर्ड पार्टी लाइसेंस बनाती है वो गवर्नमेंट अप्रूवल होती है हैवी इक्विपमेंट के लिए। इंडियन हैवी लाइसेंस पर आप कभी भी हैवी इक्विपमेंट्स जैसे जेसीबी हो गया, शावल हो गया, टावर क्रेन हो गया, हैड्रा हो गया, कोई भी ऐसी इक्विपमेंट आ जाता है तो वो कभी मत चलाएं। बाय चांस कभी भी आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट पूछेगा, थर्ड पार्टी लाइसेंस पूछेगा, कोई भी आपका इंडियन जो लाइसेंस है वो कभी भी नहीं पूछने वाला। हैवी इक्विपमेंट का लाइसेंस कहाँ से बनाएं, कहाँ से बनता है, तो इसकी जो वीडियो मैं नेक्स्ट डे में डालने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उससे पहले आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर तीसरा जो कोर्स है वो है हॉली पैक ऑपरेटर, 3 मंथ का जो कोर्स है, 15,000 एक आपसे लिए जाएंगे, 6,000 रुपये एक आपसे लिए जाएंगे, टोटल आपसे 21,000 की पेमेंट ली जाएगी। रहने का, खाने का, मेडिकल की फैसिलिटी आप इन्हें कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉली पैक ऑपरेटर की जो डिमांड है इंडिया में, यूरोप में, गुल्फ में काफ़ी रहती है, सऊदी अरब में बहुत इसकी डिमांड रहती है। इंग्लिश में इस इक्विपमेंट को हॉल पैक बोला जाता है, गुल्फ में लगा लूँ तो इसे डंपर बोला जाता है, डंपर के अलावा टिप्पर वो आ जाता है
चार नंबर में, ये वाला लाइसेंस आपको आठ नंबर में आता है। का जो ज़्यादातर जो काम होता है डंपर का वो होता है जैसे रंबल एरिया हो गया, रेत वाला एरिया हो गया, उसमें पहाड़ों पहाड़ वाला एरिया उसी में होता है, खदानों में इसका काम होता है, कोला जो खदान है वो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा काम रहता है। इंडिया में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंडियन हैवी लाइसेंस पर आप इसे कभी मत चलाएं। ये कोर्स आप कर लेते हैं तो यूरोप में जैसे न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड में इसकी डिमांड बहुत रहती है, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी ऐसी यूरोप की कंट्री है जो मतलब माइनिंग का काम करती हैं, जहाँ पहाड़ों का काम करती है या खदानों का काम करती हैं, वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत रहती है। तीन मंथ कोर्स करने के बाद में आपको थर्ड पार्टी लाइसेंस बनाने की अप्रूवल मिलती है, पहले आप थर्ड पार्टी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अभी बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल होता है कि ये सर्टिफिकेट जो रहता है कहाँ कहाँ पर वैलिड रहता है। जहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि ये सर्टिफिकेट पूरे गल्फ में, पूरे यूरोप में, पूरे इंडिया में वैलिड रहता है। जे ऑपरेटर के कोर्स जो मैं आपको इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, जो ट्रेनिंग सेंटर बता रहा हूँ, आप उनसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्टडी के हिसाब से आपके जो नियर पड़ता है उससे भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखिए, उसी से कोर्स कीजिए जिसके सर्टिफिकेट ऑनलाइन रजिस्टर हो, जिसकी वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्टर हो, जिसका गवर्नमेंट अप्रूवल ट्रेनिंग सेंटर हो। इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, व्हाइट बैकग्राउंड की दो या तीन फोटो, आपका स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस कोर्स को करने के लिए एज लिमिट ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 42 तक हो सकती है और कम से कम आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए। दिन में आपको इंस्टीट्यूट यानी कि ट्रेनिंग सेंटर का नंबर शो हो रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स बता सकते हैं कि भाई मुझे कोर्स करना है, मुझे आप इन्फॉर्मेशन बताएं। इंस्टीट्यूट का जो लिंक है, जो वेबसाइट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स इनके पास अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं इनकी जो भी डिटेल्स है पूरी बताने वाला हूं, कहां पर इनका ऑफिस है, कहां पर ये लोग रहते हैं, तो वहां से भी आप इसका एड्रेस चेकआउट कर सकते। वीडियो आपके लिए हेल्पफुली रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते, उनके साथ शेयर करते जो लोग कुछ करना चाहते हैं ऑपरेटरिंग फील्ड में। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन बहुत मिलता है। कमेंट जरूर कीजिए, किसी भी हेल्प का जरूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे पड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी नीचे पड़ा हुआ है, जो भी वैकेंसीज आती है मैं वहां पर उसका PDF भी डालता हूं, तो आप उस टेलीग्राम लिंक को भी, चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, थैंक यू वेरी मच।